not feeling well from last couple of days. Time to shift the house, as I told you in my previous video. बॉक्सेस वगैरह में कपड़े वगैरह डाल रहा हूँ, जिधर 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 जगह मेरी आई है जी गाइस। तो ये आप देख सकते हैं एक स्टोर रूम की तरह, ये बेडरूम है बेसिकली। लेकिन वैसे तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, लेकिन आज जब काम का टाइम आया तो इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है। स्टू मच है तो उसके लिए पैक करने की हालत देखें आप क्या हुई है पूरे किचन की। तो ये हमारी मैकी है, इसका नाम है मैकी है। इसको मैं तंग कर लूँ थोड़ा सा। हमारी स्कूल से वापस आ गया। आहा, क्या बात है जी। तो वैन आ गई है इस टाइम, उनसे शीशा नहीं नीचे हो रहा, कुछ करना चाह रहे हैं। दरवाजा खोल दी है। तो गाइस देख लीजिए कि आप लोग देख ओके, तो मेरी हेल्प कर रही थी बर्थडे के लिए, तो अभी कह रही है कि मैं बड़ा हो गया हूं। तो इसको रख पड़ेंगे तो ये मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी आ लोगे, जाते हैं हमें सामान करना पड़ा, आपसे भी ये सामान करना पड़ा। फिर मान लो ये लोग निकल गए हैं, अब हमारी बारी, हम निकलेंगे वैन। अब ये देखना, अभी हमने काफी सारा इधर मोटरवे पे सीधा सीधा जाना है। ये था जी डे वन का व्लॉग। तो पार्ट वन में ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो कल डे टू की शिफ्टिंग जो भी बाकी थोड़ी रह गई है वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग लाइफ विद राजा उरेरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और मज़े में भी होंगे। गाइस ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट टू, लाइक इट मीन्स लाइक डे टू शिफ्टिंग, जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। और अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, नाश्ता मेरा रेडी है, टेबल पर पड़ा हुआ है। नाश्ता मैं करने लगा हूँ ब्रेड के साथ, फ्राई अंडा। तो उसके बाद हमने दोबारा शिफ्टिंग शुरू करनी है। आज मैं जल्दी उठ गया हूँ बिकॉज टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा ही भी है। तो एनी आओ अभी नाश्ता करने लगा हूँ, नाश्ते के बाद फिर दोबारा शिफ्टिंग का काम शुरू करेंगे जी। तो राउंड टू शुरू है जी, दूसरा फेरा लगा रहे हैं अभी। तो मशीन फंस गई थी ट्रेडमिल, तो इसका ये सोचा कि डंडा क्यों ना उतार लिया जाए। तो ये लगे हैं, एक डंडा तो आ चुके हैं और ऑलमोस्ट वैन फुल हो चुकी है। वैन ऑलमोस्ट तरीके से मैं खुद ही शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। बेड वगैरह रखे हैं, ब्रीफ केस वगैरह, फ्रिज वगैरह रख दिया है। और ये हैं जी टेबल भी रख दिया गाइस। अच्छा टेबल भी आप लोग देख लें कि रख दिया है, तो इसको भी इधर ही रखेंगे वैन में ही। नो वे जी। तो बाकी सारे तो रेडी हो रहे हैं और ये हमारी बिल्ली भी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। तो ये कह रही है कि अपने आप को मेकअप कर रही है और ये बाहर देख रही है हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम फुल एंजॉय कर रही है जी। गाइस तो पिछले 2 घंटे से लगे हुए हैं, पता नहीं 3 घंटे से लगे हैं, सामान आई जा रहा है, आई जा रहा है, पता नहीं किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि किधर से आ रहा है, नीचे से पता नहीं कहाँ से। गाइस आप कमेंट करें, अभी और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, समझ नहीं आ रही कहाँ से आ रहा है। लेकिन वैन ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, और अभी और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय जी। तो गाइस 3.5 घंटे बाद वैन ऑलमोस्ट फुल हो गई है। अभी 2 बंदों को हेल्प के लिए बुलाया है क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हमने 2 दोस्तों को बुलाया कि यार आओ हेल्प वगैरह करो, तो वो दूसरे घर में वो इंतज़ार कर रहे होंगे, अभी चलते हैं उधर। तो फिर इसको अनलोड करते हैं और उसके बाद वहाँ पर भी सेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डन हो गया है, रस्सी लगा दी गई है बंद करने के लिए। इसको भी अंदर ही बंद करते हैं, छोटे को भी। रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये हो गया जी डन हमारा, अभी चलते हैं नए घर में। मेरी भी गाड़ी एक फुल हुई हुई है अभी। फाइनली 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 सारे रूम खाली हो गए हैं और इस टाइम एक बस कुछ बिल्कुल थोड़ा सा सामान रह गया जो नीचे ही पड़ा हुआ है, ऊपर वाला तो बस ये फेंक के ही जाना है जो भी पड़ा हुआ है। तो कमरे वगैरह खाली हो गए हैं, नीचे कुछ सामान रह गया है, वो बस छोटी छोटा मोटा सामान है, गाड़ियों में ही आ जाएगा। और फिर ये होगा कि उधर उधर भी दूसरे घर में भी शिफ्ट कर रहे हैं सामान सारा। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं, लैंप और ये चीज़ें, ये ले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो थक बहुत गए हैं। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन में भी अभी एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं, फ्रेंड ने दावत की है, डिनर उनकी तरफ करेंगे। तो डिनर के बाद उधर जाएंगे, तो देखते हैं क्या सीन है। तो फाइनली इस टाइम सारा कुछ
एक रूम में आ गए, नए घर में आ गए, सब कुछ बिखरा हुआ है, अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ। रात के 12 हो गए हैं, रात के 12:30 हो गए हैं और अभी तक कुछ भी सेट नहीं किया, और कोई पता नहीं है किधर सोएंगे, क्या करेंगे, और कुछ सामान ऊपर पड़ा, कुछ नीचे पड़ा, और बस यही मैट्रेस है, इन्हीं को लिटा के इन्हीं पे सोना पड़ेगा। तो ये था जी आज का हमारा सेकेंड डे ऑफ शिफ्टिंग। कुछ थोड़ा बहुत सामान रह गया है, वो कल सुबह हो जाएगा। सुबह काम पर भी जाना है, 5 बजे उठना पड़ेगा, और 12:30 हो गए हैं, अभी सोते सोते भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी गाड़ी खाली कर रहे हैं। तो ये थी हमारी खवारी 2 दिन की, तो तीसरा दिन अभी बाकी है। तो ठीक है जी, ये था हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।